आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास एक नई बैटरियों वाले क्षणदीप या फ्लैश लाइट्स से दीप्त प्रकाश द्वित श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है, जो जैसे जैसे ज्यों ज्यों बैटरियां पुरानी होती जाती हैं, तब विकल्प किट में पूछा जा रहा है कि कौन सा मान यहाँ सही होगा। प्रकाश की तीव्रता में कमी आ जाती है, परंतु इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये कहा जा रहा है। बोला है दूसरे पे प्रकाश का रंग पीले से बदलता है पहले और फिर लाल में बदल जाता है, परंतु तीव्रता में कोई अंतर नहीं होता, ये बोला जा रहा है। तीसरे में बोला है कि श्वेत प्रकाश देते देते यह अचानक काम करना बंद कर देता है। और चौथा, रंग जो है लाल में बदल जाता है और तीव्रता भी कम हो जाती है, ये कहा जा रहा है क्वेश्चन पे। तो अगर हम किसी बैटरी की बात करते हैं, तो बैटरी में जो फ्लैश लाइट यहाँ पर उत्पन्न की जा रही है, तो बैटरी के अंदर कौन सी प्रक्रिया होगी? इसके अंदर होगी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है अंदर उपस्थित रसायनों के कारण यहाँ संभव हो पाती है। अब देखिए, जैसे जैसे समय बीतता है या जैसे जैसे बैटरियाँ पुरानी होती जाती हैं, रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो प्रयुक्त होने वाले रसायन होते हैं वो क्षीण होते जाते हैं। ठीक है, क्षीण मतलब यही कि उनका प्रभाव कम होते जाता है। अगर वो क्षीण हो गया तो इस स्थिति पर बैटरी उस फ्लैट लाइट को जो वोल्टेज प्रदान करेगी, ठीक है, तो वोल्टेज का जो मान है वो भी कम होते जाएगा। इस तरह से अगर हम ये बोलते हैं कि क्षीण अगर होता है तो उसमें उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल जो होता है, ठीक है, वो भी क्या है, कम होने लगता है। इस प्रकार से बैटरी जो है वोल्टेज कम प्रदान करने लगती है फ्लैश लाइट्स को, ठीक है, तो उससे दीप्त जो श्वेत प्रकाश होते हैं वो उत्पन्न जरूर होते हैं, लेकिन उनकी तीव्रता में अब परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, तो तीव्रता में यहाँ पर परिवर्तन हुआ, और यहाँ पर ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होती है जिसमें हम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को बदल पाए। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य नहीं बदलता है, देखिए तरंग दैर्ध्य यहाँ पर नियत है, ठीक है, तरंग दैर्ध्य नियत है, तो हम ये कह सकते हैं कि रंग जो है वो नहीं बदलेगा, रंग भी नियत रहेगा, मतलब वो नियत रंग से, जिस रंग से वो प्रदीप्त होती है उसी रंग से प्रदीप्त होगी। अगर श्वेत प्रकाश से प्रदीप्त होती है तो श्वेत प्रकाश से ही प्रदीप्त होगी, लेकिन तीव्रता में यहाँ पर परिवर्तन आएगा और तीव्रता में एक तरह से हम बोलेंगे कमी आएगी। ठीक है, तो हमारे लिए पहला ऑप्शन, जो प्रकाश की तीव्रता में कमी जरूर आ जाती है परंतु इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन ए सही आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।